क्या हाल है, कमाल है, आप आए बाहर ही हो बात हमारी जो ढाबे पे पधारी। नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर सिधौली नगर में समय उपस्थित हूं और खान पान में मशहूर यहां का जनता ढाबा वहां पर आज आया हूं और यहां की जो लेटेस्ट चीजें जो व्यंजन यहां के मिलते हैं काफी फेमस हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं और यहां पर विश्राम करके यहां के चीजों का आनंद लेते हैं। यहां के जो ऑनर हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जनता ढाबे के जो ऑनर हैं, इसका जो संचालन कर रहे हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम आसिफ बग्गा है, हम जनता ढाबा के ओनर हैं यहाँ। ये दिनों साल पुरानी ये दुकान, इसके बारे में कुछ आप बताओ। ये हमारे दादी और पापा जी शुरुआत की थी दुकान की बहुत पहले, पन्नी नी डाल के प्रतिष्ठा पर शुरुआत किए थे जी। उन्हीं की मेहनत और लगन से आज हम खड़े हैं जी। और तीसरी पीढ़ी है जो आज ये रन कर रहे हैं। काफी दूर दूर से लोग आते हैं, क्या फेमस है आप कहाँ के जो लोग खींचे चले आते हैं? हमारे यहाँ पकौड़ी ज्यादा चलती है, जैसे कई वेराइटियों की पकौड़ी है और चाय है और खाना पीना भी वगैरह सब चलता रहता है जी। और मेन जो पकौड़ी हमारी है वो पालक प्याज और पनीर की सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है जी। यही फेमस हुआ, इसी से लोग आए यहाँ पर। जैसे लोग आकर के बैठ करके अगर वो विधिवत अगर भोजन करना चाहें, क्या व्यवस्थाएं आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें? हमारे पास जैसे नाश्ता वगैरह है और खाना वगैरह है, आप बैठ कर खाना चाहें ऑर्डर दीजिए, हमारा मेनू वगैरह वहाँ अवेलेबल रहता है जी। अपना बैठ के आराम से खाने की व्यवस्था है, एसी सेक्शन वगैरह भी अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पर आप बैठ करके आराम से इस जनता ढाबा में यहाँ पर आराम से बैठ करके आप भोजन कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। जैसा कि व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कभी भी अगर जनपद सीतापुर में सिधौली से अगर आप गुजरते हैं तो इस जनता ढाबा को जरूर विजिट करें और यहाँ के स्वाद का जो लजीज व्यंजन बनते हैं उसको भी आप चख सकते हैं। और बताएं क्या ढाबे में व्यवस्था है, जैसे जो लोग आते हैं दूर दूर से क्या व्यवस्थाएं हैं उनके लिए? व्यवस्थाएं हर चीज की प्रोवाइड कराने की हम वो करते हैं और साथ में हमारा इधर आगे टूट भी रहा है जी, तो उसके लिए हमने कस्टमरों के लिए समाधान भी निकाला जो कि 1.5 किलोमीटर आगे सीतापुर रोड पर हमारा अच्छा होटल बन रहा है जी। मतलब इसकी ब्रांच खोल रहे हैं वहाँ, ब्रांच मेन हो जाएगी वो यहाँ, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी कम हो रही है जी। तो कस्टमर के अनुसार कहने का मतलब उनको पार्किंग दीजिए ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आगे हम लोगों ने शिफ्ट करने का पूरा प्रोग्राम किया जी। उसका क्या नामकरण रखे? यही जनता ढाबा रहेगा, पकौड़ा किंग के नाम से जी। अब इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं सिधौली जनता ढाबा करके जी, हमारे वीडियोस वगैरह अपलोड होती है डेली जी। यूट्यूब पे भी हमारा पकौड़ा किंग नाम से चैनल है जी, और इंडिया के कईयों फूड ब्लॉगर हमारा इंट्रोडक्शन लेके जा चुके हैं जी। देखिए, जनता के जो पार्किंग की यहाँ पर अव्यवस्था होती थी उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इनका दूसरा ब्रांच खुल रही है आगे, वहाँ पर पार्किंग की विशेष ही सुविधा है और यहाँ का ही व्यंजन वहाँ पर भी आपको मिलेगा और यही की सुविधाएं भी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जब काफी प्रसिद्ध चीज होती है तो लोग बड़े बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता सभी लोग आते हैं। अभी तक कितने लोगों ने आपके यहाँ आगमन हुआ है, उन लोगों के उनको भी बताएं। बहुत ही बॉलीवुड के मतलब जो सेलिब्रिटी वगैरह हैं वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं जी, और अन्ना हजारे वगैरह भी यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे वहाँ रुके गए हैं जी। और अक्षय कुमार सीतापुर अभी पिक्चर शूटिंग चल रही थी तो एक दिन उनका भी यहाँ पे सिधौली में स्टॉप हुआ था जी, उनको नाश्ता पानी हमने खुद करवाया जी। क्या उन्होंने इस जनता ढाबा के बारे में क्या उन्होंने अपना जो है वक्तव्य दिया, क्या बोले, कैसा स्वाद है, इसके बारे में कुछ बातचीत हुई? उन्होंने बस यही कहा कि चाय पियेंगे और ये रोड पर ज्यादा मशहूरियत में है तो उन्होंने चाय पीना ज्यादा उत्सुक समझा और उनका स्टाफ वगैरह बाकायदा पूरा यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ उन्होंने रुकवाया था। देखिए, स्वाद जब अच्छा होता है तो लोग बरबस खींचे चले आते हैं और जो मशहूर हो जाती है चीज लोग उसको खाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। हमने भी यूट्यूब पर देखा था जनता ढाबा को, काम बस आया था लखनऊ तो हमने सोचा इसको विजिट करते हैं और आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं। कभी भी अवसर मिलता है तो आप जरूर यहाँ का विजिट करें और यहाँ के स्वाद का आनंद लें। मैं संजय श्रीवास्तव, आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना, धन्यवाद। देखिए, जो फेमस चीज होती है लोग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं, जो लोग आए हैं यहाँ पर पालक की पकौड़ी काफी फेमस है इस जनता ढाबा की। जो लोग आए हैं मैं उनसे भी विचारधारा लेता हूँ कि कैसा स्वाद है यहाँ की पकौड़ी में। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ जी। यहाँ जनता आए हैं जी और
जो जैसा कि सुना था उसे कहीं बेस्ट पाया। क्या आपने सुना टेस्ट में कि यहाँ का जो है पकवान है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चाय अच्छी है, तो खाया है उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा, वास्तव में लाजवाब है। देखिए पालक की पकौड़ी काफी फेमस है जैसा कि लोगों ने बताया भी है। आप जी? मैं, मेरा नाम शिवम है और मैं भी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैं भी सरदार जी का ढाबा एक दो बार आ चुका हूँ, इसका रिव्यू लिया है मैंने, खाया है तो इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। और पकौड़ी में टेस्ट के बारे में बात करें तो हर तरह की वैरायटी मिलती है यहाँ पे, पनीर पकौड़ा, पालक आलू की पकौड़ी, तो हर पकौड़ी का टेस्ट ले चुका हूँ। ये स्वाद अन्यत्र आपको कहीं मिला? नहीं नहीं अभी तो इस एरिया में तो कहीं नहीं मिला है जी। और बाकी बेटर टेस्ट है तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँ जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर हैं, अगर इस रास्ते जाते हैं रूट तो इस ढाबे को एंजॉय करके जाएं। कुछ खास है स्वाद में जो कि लोग खींचे चले आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? साथियों नमस्कार, मेरा नाम अजय डागर, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। पहली बार जब मैं इस हाईवे से गुजरा था तो किसी ने बोला था सरदार जी का एक ढाबा है वहाँ, कभी आप करके खाइए। यहाँ मैंने एक बार लंच भी किया है, वास्तव में खाना भी बहुत टेस्टी मिलता है और जब भी मैं यहाँ पे सिदौली आता हूँ तो मैं हर बार यहीं पे आता हूँ खाने के लिए। वास्तव में जो टेस्ट, जो लाजवाब स्वाद यहाँ मिलता है ना, मैंने इस रोड पे और रेस्टोरेंट के अंदर नहीं देखा, जो मैंने यहाँ देखा वास्तव में गुड टेस्ट है। स्वाद का बखान किया है और यहाँ पर कुछ अन्य लोग भी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? जी चंदन मिश्रा। ये यहाँ का जो स्वाद है जी कैसा लगा? बहुत ही अच्छा स्वाद है, बहुत ही अच्छा लगा जी। जी आप कहाँ से हैं? मैं सीतापुर से हूँ। सीतापुर से जी। और आप? मैं लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ के भी लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ के व्यंजन का स्वाद लेने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ की जो पकौड़ी फेमस है उसको लोग खाने के लिए आते हैं सिधौली जनपद सीतापुर में। आप? मैं हरगांव से। हरगांव से, ये हरगांव से आए, कैसा लगा यहाँ पर आपको स्वाद? बहुत अच्छा लगा यहाँ जी। आप अपना नाम नहीं बताए? प्रदीप कुमार राठौर। मेरा नाम है विमलेश कुमार, मैं सिधौली सीतापुर से रहने वाला हूँ जी। और ये देखा जाए जनता ढाबा आज बहुत ही मशहूर है। आज देखा जाए तो बक्सी तालाब से लगा करके सीतापुर जो हाईवे पड़ता है जी, ऐसा आपको बीच में कहीं ढाबा नहीं मिलेगा जी। ये बहुत पुराना ढाबा है और यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग आते हैं और अपना जो है जलपान, खाना पीना, चाय हर चीज करते हैं, क्योंकि यहाँ का चाय भी है ना वो बहुत ही जबरदस्त चाय है। आप देखेंगे यहाँ पर कुल्हड़ में चाय दी जाती है जिसका आप देखेंगे स्वाद ही कुछ अलग होता है। और खाने की बात करें ब्रेड पकौड़ा है, दही बड़ा है, पनीर है, जो भी है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हर तरह का खाना उपलब्ध है और यहाँ पर आकर के हर व्यक्ति अपना जलपान करता है और संतुष्ट होता है जी। बहुत बहुत मंगल कामना। जनता ढाबा में अपनी सेवा दे रहे शिव कुमार जी और काफी इनकी जो सर्विस होती है काफी अच्छी होती है, हमें एक्टिव रहते हैं और इनमें जो टैलेंट है मैं उसको भी दिखाना चाहूंगा। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शिव कुमार है, जनता ढाबे से हो रहे हैं, 35 साल हो गए मेरे को जी। दुनिया मुझे बहुत याद करती है, हम भी उसके लिए उम्मीद रहते हैं हमेशा जी। लोगों ने बताया था कि आप जो है मेमिक्री भी करते हैं? सब करते हैं जी। तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये तो सीटी है, पैसा वैसा जोड़ना है जी। ये कैलकुलेटर की है, कैलकुलेटर की आवाज। बाकी चावा 5-6-7 पकड़ लेते हैं एक हाथ में। आप जानवरों की भी आवाज? आवाज यही एक दो है, बस जैसे बच्चा चल रहा है। कैसे कैसे? बस यही 2-3 आवाजें हैं बस जी। और फिर हमारे लायक सेवा बताइएगा। और देखिए इनमें जो टैलेंट है, एक हास्य कलाकार थे आपके पिक्चर में जगदीप, ये निकालते हैं, आप भी सुनिए। क्या हाल है? कमाल है, आप आए बाहर है अहो बाग, हमारी जो ढाबे पे पधारे, दिन हो या रात, टोपी लाल है आपके साथ, सात सालियां घड़ी घड़ी ठप्पा लगाएंगी घड़ी घड़ी। गाड़ी आ गई। बहुत मंगल कामना शिव कुमार जी के लिए और आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। नमस्कार।